हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को डिफाइन करूँगा। तो संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं और असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें कि पुलिस जो है अधिकारी अभियुक्त को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसका दूसरा है कि संज्ञेय अपराध जब घटित होता है तो उसमें उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में अधिकारी जो है उसे दे सकते हैं आप अधिकारी को, जबकि असंज्ञेय अपराध जब कभी घटित होता है तो इसके बारे में परिवाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे इसे थाने में भी प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन परिवाद जो है हमेशा लाया जाता है वह मजिस्ट्रेट के सामने असंज्ञेय अपराधों में, जबकि संज्ञेय अपराध जो है में पुलिस अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के बिना आदेश पर अन्वेषण कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जबकि असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी किसी भी मामले का जो जांच है वो मजिस्ट्रेट के अनुज्ञा के बिना नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो ये दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। संज्ञेय अपराध को CRPC की धारा 2C में इसे परिभाषित किया गया है, 4 नंबर में इसके अंतर को नहीं लिख पाया, जबकि असंज्ञेय अपराध जो होते हैं इसे डिफाइन किया गया है 2 CRPC की धारा 2L में। तो दोस्तों ये मैंने अंतर स्पेशली उन छात्रों के लिए मैंने बताया है इसमें साधारण शब्दों में जो कि LLB की पढ़ाई कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, क्योंकि LLB की पढ़ाई हो जाने के पश्चात आपको इनके अंतर तो आसानी से समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन LLB की पढ़ाई के दौरान अगर शॉर्ट नोट्स कोई तैयार करते हैं और वहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए ये परफेक्ट है और उन्हें समझ में आनी चाहिए। तो अगर पुनः अगर जैसे मान लीजिए कि कोई अपराध हुआ है और पुलिस थाने में अगर आप जाते हैं और वहाँ पर पुलिस जो है उस अपराध को के बारे में FIR रिपोर्ट जो है दर्ज नहीं करती है, तो इसका मतलब ये आप समझिए अगर साधारण कोई ऐसे हुए हैं अपराध जिसमें कि 2 वर्ष से कम या 3 वर्ष से कम की सज़ा होती है, तो वैसे अपराध जो है उसकी कैटेगरी जो है असंज्ञेय रहती है। और वैसे अपराध जो है होते हैं जिसमें कि 3 साल से ऊपर की सज़ा होती है, तो वैसे अपराध जो होते हैं वो आ जाते हैं संज्ञेय में। तो इस प्रकार से, लेकिन कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं दोस्तों जो कि लगते हैं कि वह संज्ञेय नहीं होंगे, तब फिर भी वो संज्ञेय दिखते हैं। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में अगर बोला जाए कि कॉग्निजेबल्स कौन सा हो सकता है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर केस, दहेज हत्या, ये सभी जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, जबकि असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में साधारणतः जो है वैसे मामले आते हैं कि कम से कम सज़ा होती है, अधिक सज़ा ना होकर के कम सज़ा होती है ऐसे। और ख़ास करके आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जमानती अपराध और जमानती अपराध दोनों क्या होता है, गैर जमानती अपराध और जमानती अपराध इसको आप कह सकते हैं, तो ये क्या होते हैं आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, उसमें भी संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में डिस्कस होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।